बच्चे शुरू कर, हमने सेल के लिए बच्चे दो चीजें की थी, एक बच्चे डिस्चार्जिंग और दूसरे बच्चे डिस्चार्जिंग। इसके अंदर किसी बच्चे को कोई डाउट है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो वो बच्चा मुझसे पूछ सकता है। हमने जो काम किया था बच्चे, वहां तक का काम बच्चे जरा मैं आपको बता देता हूं। जो हमने किया था बच्चे, हमने सेल की चार्जिंग की थी और डिस्चार्जिंग की थी, और दोनों के दोनों केसेस के मैंने एक एक दो दो न्यूमेरिकल करवा दी, ऑपोजिट पोलैरिटी भी समझा दी बच्चे, ऑपोजिट पोलैरिटी क्या चीज हो जाती है। और अब बच्चे आज मैं यार क्लास लान दो, जब मैं कहने उधर जान दो, दे सकते हैं पर जाओ। आयुष क्या हो गया भाई? आयुष आयुष यस सर, क्या हो गया भाई? सर वो कुछ नहीं, पापा कह रहे थे। अच्छा रुष्ट हो गया, मैं घर वालों से रुष्ट हो गया लड़का है। चलो सो बच्चे हमारे पास यहाँ पर बच्चे, अब अगर हम समझने की कोशिश करें बच्चे, सो क्वेश्चन बच्चे करते हैं ट्रिकी क्वेश्चन, क्योंकि बच्चा अब हमारा ध्यान चारों तरफ रहेगा कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट रेफरेंस जो पॉइंट होता है वो रेफरेंस बच्चे जेई और नीट के पुराने पेपर, ये भी हो सकता है। क्योंकि आज तक बेटा कुछ सेट्स होते हैं टीचर्स के, जो सेट्स ऑफ टीचर ऑब्जेक्टिव पेपर बनाते हैं और जो सब्जेक्टिव पेपर बनाते हैं, हो सकता है देखिए बच्चे, हो सकता है बच्चे कि मेरी बात झूठी हो या मेरी बात बच्चे सच ना निकले, लेकिन चांसेस हैं कि जिन टीचर्स को ऑब्जेक्टिव पेपर बनाने को दिया जाए तुम्हारा एमसीक्यू, वो या तो जेई के पुराने पेपर उठा ले या नीट के पुराने पेपर उठा ले। ये भी हो सकता है कि जो पेपर ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव बना रहे थे वो आपका भी बच्चे ऑब्जेक्टिव पेपर बना, हो सकता है बच्चे। इस वजह से बच्चे प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, बच्चे हमेशा वर्स्ट के लिए बच्चे प्रिपेयर रहना चाहिए, ठीक है? अपने ऊपर बच्चे हमें यकीन होना चाहिए, लेकिन बेटा वर्स्ट के लिए भी प्रिपेयर होना चाहिए। हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कल को अगर टीचर हमें कोई क्वेश्चन देता है और वो क्वेश्चन एग्जाम में निकल गया बच्चे, तभी बच्चा हमको माना जाएगा कि हमने पूरा साल पढ़ाई की है। अगर आपने पूरा साल ढंग से मेहनत किया, अगर एक क्वेश्चन नहीं निकला बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में, पूरे साल की मेहनत बच्चे हमको बोला जाएगा आपने कुछ नहीं किया। ये बच्चा हमारे पास 3 वोल्ट है, ये बच्चे 1 वोल्ट है और ये बच्चे 2 वोल्ट है। प्लस माइनस एंड प्लस और माइनस, 1 ओम 1 ओम और 1 ओम। यहाँ पर बच्चा हमारे पास 6 ओम और बच्चा हमारे पास 3 ओम, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ओके, अब क्योंकि ये सीरीज में टीचर मुझे बोलेगा व्हाट इज द करंट थ्रू द सर्किट, व्हाट इज द करंट थ्रू द सर्किट, इस सर्किट में से कितना करंट निकलेगा, जरा आप देखें बच्चे हमारे पास। नंबर वन सॉल्यूशन, सबसे पहले इस सर्किट के अंदर ईएमएफ कितने के बराबर आ जाएगी, शाबाश, मृणाल कितने के बराबर हो जाएगी, मृणाल यहां पर 2 सेल सीरीज में 3 और 2 और 1 वोल्ट उल्टा लगा हुआ है, इसलिए बच्चे 3 माइनस 1 प्लस ऑफ 2 और ये बच्चा हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगा, 4 वोल्ट, क्योंकि ये नेगेटिव के अंदर है। यहां से करंट ऐसे चलेगा, जो सिस्टम के अंदर बड़े बच्चे हमारे पास यहां पर सेल है, जो बच्चे हमारे पास सिस्टम के अंदर बड़े सेल है बच्चे, वो करंट को डोमिनेट करेंगे बच्चे, और यहां पर नेट इंटरनल रेजिस्टेंस वो बच्चे 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि कितने के बराबर आ जाएगा, 3 ओम। और देयरफॉर बच्चे अब बताओ मेरे पास यहां पर करंट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, करंट हमारे पास आ जाएगी नेट ईएमएफ अपॉन बच्चा हमारे पास आर नेट प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास कैपिटल आर, और ये बच्चा हमारे पास आ गया 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस ऑफ कैपिटल आर। कैपिटल आर का मतलब 6 और 3 पैरेलल में आपके पास क्या रेजिस्टेंस देंगे बच्चे, बच्चा हमारे पास 2 ओम, तो ये बच्चे आपके पास 2 ओम। सो दिस विल बी 4/5 एम्पेयर का करंट चलेगा या फिर 0.8 एम्पेयर का करंट चलेगा, ये हमारे पास आ गया। अब पॉइंट क्या आ जाता है, फोकस करना। नंबर वन, यहां पर मुझे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पता करना बच्चे,
थ्री वोल्ट की सेल के अक्रॉस, ध्यान से देखना, ये थ्री वोल्ट के सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट निकल रहा है, नेगेटिव में एंटर कर रहा है, इसका मतलब इसको डिस्चार्ज माना जाएगा। और यहां पर बच्चे V1 मान लेते हैं, एंड दिस विल बी 3 माइनस ऑफ I इनटू बच्चे R, जहां पर I मेरे पास 0.8 है और R यहां पर बच्चे हमारे पास स्मॉल R किसके बराबर है, 1 के बराबर, 3 माइनस 0.8 तो बच्चे हमारे पास कितना आ गया 2.2 वोल्ट, ये बच्चे 2.2 वोल्ट है, 2.2 वोल्ट है, आंसर इज 2.2 वोल्ट। लेकिन लास्ट पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर इसी में टीचर मुझे एक और क्वेश्चन पूछ लेता, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, अक्रॉस किसके अक्रॉस बच्चे 1 वोल्ट के, तो फिर हम क्या करते, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 वोल्ट, 1 वोल्ट के अक्रॉस क्या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब यहां पर टेक्निकल इश्यूज आ जाएंगे, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर करंट जा रहा है और बच्चे नेगेटिव में से बाहर निकल रहा है, उल्टा हो जाएगा। इस वजह से यहां पर जो V2 है, दिस विल बी इक्वल टू ई प्लस ऑफ आई इनटू बच्चे हमारे पास आर होगा। प्लीज इस बात को ध्यान में रखना, ये एक ट्रिकी सिचुएशन होगी, यहां पर बच्चा फंस सकता है। डिस्चार्जिंग का तो कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, लेकिन अगर कोई सेल ऑपोजिट पोलैरिटी में लगा हुआ है तो फिर वो सेल बच्चे डिस्चार्ज नहीं करेगा, और इस वजह से बच्चा हमारे पास क्या आएगा 1 यहां पर प्लस, और बच्चा हमारे पास आई, आई बच्चा हमारे पास यहां पर कितना है 0.8, और बच्चा आर कितने के बराबर है 1, बोलो बच्चे कितने की वोल्टेज है 1.8 वोल्ट। ये ट्रिकी सिचुएशन होगी, और इस ट्रिकी सिचुएशन से आप बड़े आराम से निकल सकते हैं ये सोचते हुए कि ये सेल तो आपके करंट के अंदर पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा, एक इसके ईएमएफ नेगेटिव ले रहे हो और दूसरा इसके नेगेटिव टर्मिनल में से करंट निकल रहा है और पॉजिटिव में एंटर कर रहा है। अब इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है कुलताज तो वो पूछ लो, गौरी इसको नोट करके मुझे बता दो कि आपने नोट कर लिया है, अगर कोई डाउट है तो प्लीज बच्चे पूछ लीजिएगा, प्लीज बच्चे पूछ लीजिएगा। अभय ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसके बाद अभय ने जो क्वेश्चन मुझे पूछा है मैं उसको डिस्कस करूंगा, पहले आप इसको देख लीजिए बच्चे, इसको नोट कर लीजिए, शाबाश। जैसे नोट कर लीजिएगा मुझे बता दीजिएगा बच्चे। और एक और चीज बच्चे काफी आ रही है बच्चे, और जो है रिगार्डिंग दी बच्चे हमारे पास के कुछ, जिसको ये बोल सकते हैं बेटा चाहता तो मैं भी बच्चे वही हूँ, लेकिन पॉइंट बच्चे हमारे पास है ऑफलाइन बच्चे क्लासेस, ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस हर टीचर, अगर आप 10 टीचरों को बोलोगे तो 10 में से शायद 9 टीचर आपको ये बोले कि हाँ ऑफलाइन ज्यादा इफेक्टिव है। लेकिन प्रॉब्लम बच्चा हमारे पास ये, जो चीज बच्चा हमारे पास आ जाती है, व्हाट विल हैपन इफ ओनली अ सिंगल इन्फेक्शन कम, बेटा ये हमको भी पता है बच्चे और आपको भी पता है कि जो छोटे बच्चा आपको अगर कोई भी चीज होती है तो हम उसको बोल देते हैं अरे यार चलो छोटा मोटा चलता रहता है, और बेटा अगर कोई सिंगल इन्फेक्शन भी ऑफलाइन क्लास के अंदर आ जाती है, पहली बात तो सरकार ने सिर्फ आईलेट सेंटर को खोला हुआ, वो भी तब जब एक डोज स्टूडेंट को लगी हो और एक डोज टीचर को लगी हो, पहली चीज। अगर एक भी इन्फेक्शन आ जाती है और डेल्टा प्लस वेरिएंट की मैं बात बता देता हूँ बच्चे, और वो ये बच्चे हमारे पास, वो ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर कि अगर एक पर्सन को ये इन्फेक्शन होती है तो वो 8% को इन्फेक्शन कर सकता है, 8% को, 8 जो कोरोना वायरस था बच्चे, जो पुराना वेरिएंट था वो 2.5 लोगों को जो है बच्चे क्या कर सकता था इन्फेक्ट, ये 8 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, ये बच्चे लंग्स की कैपेसिटी को चेंज कर देगा बेटे। आपने बच्चे एनडीए के पेपर देने हैं, कल को फिजिकल एक्सरसाइज बच्चे आपने देनी है, आपकी फिजिकल, आप खुद सोचिए बच्चे, आप में से कई बच्चे एनडीए के पेपर के लिए सोच रहे हैं, उसके लिए आपका फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है बच्चे। और बेटा ये चीज मैं बेटा, हमारे एक फ्रेंड है चंडीगढ़ के अंदर, उसको अभी डेल्टा प्लस वेरिएंट ही हुआ है और रिकवर हुआ बच्चे, डोज लग चुके थे दोनों, रिकवर तो हो गया बच्चे, लेकिन बात करते करते बच्चे अभी भी सांस फूल जाती है, जैसे कि मैं 10 कदम से ज्यादा चल नहीं पाता हूँ,
बेटा बात बच्चे हमारे पास सेहत है बच्चे, क्योंकि आपको कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं बोलेगा, कल को हमको ये बोला जाएगा यार बच्चे तो बच्चे थे, आपने क्या सोचा, और हो सकता है कुछ ना भी हो, कल को बच्चे आप बोलो कि देखिए सर वो वहां पे क्लास चल रही थी उनमें कहीं पर कुछ नहीं हुआ, हो सकता है बच्चे कुछ भी ना, लेकिन बात वही है बच्चे जिनको कोविड होता है वो बोलते हैं है, और जिसको नहीं होता बच्चे बोलते हैं नहीं बेटा, आप खुद सोचो, क्योंकि इन्फेक्शन आप कैसे हो रही है बच्चे और कैसे नहीं हो रही है, क्योंकि अभी बच्चे थर्ड वेव आने वाली है, और मैं आपको एक पिक्चर बताऊंगा बच्चे जिसमें मनाली के अंदर लोग गए थे बेटा, पहले हॉस्पिटल में बेड्स नहीं थे, अब होटल्स के अंदर बेड नहीं है, लोग बच्चे हिमाचल में भर गए बेटा, भर चुके हैं, और वहां पर बच्चे थर्ड वेव की तैयारी है बेटा, इसको निकल लें दो बच्चे, थोड़ा सा टाइम है बच्चे, देखिए सरकार के, क्योंकि मैं आपके साथ बात करता रहता था कि देखिए अब ये डिक्लाइन में आएगा, थोड़ा सा बच्चे टाइम है, इस टाइम को निकल दे, और मैं कई बच्चों को जानते हैं, उनको मैंने मैसेज भी बताया रोनित वगैरह को कि हम बच्चे चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब को अप्रोच करें, हम टीचर्स मिलके किसी तरीके से अप्रोच करें, अगर आप भी किसी पॉलिटिकल फिगर को जानते हो तो मुझे मिलवाओ उनसे बच्चे, मैं खुद चाहता हूं बच्चे कि हम कुछ एक्चुअल में हम चाहते हैं कैसे खुले, कुछ गाइडलाइंस के साथ खुले, बात बच्चे समझ पा रहे, कुछ गाइडलाइंस के साथ खुले, जब गाइडलाइंस के साथ खुल जाएंगे जी 15 बच्चे होने चाहिए क्लास के अंदर, इतने से इतने क्लास में आने चाहिए, 20 बच्चे नहीं होने चाहिए क्लास में, अगर ये गाइडलाइन से खुलता है बच्चे तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल बेटा समझो इस बात को, 18 साल से नीचे बच्चे कोई गाइडलाइन नहीं, समझो, और आप बहुत वर्नेबल हो, आप में से कई बच्चों ने एनडीए के पेपर देने, बेटा फिजिकल एक्टिविटी कैसे कर पाओगे आप वहां, इस बात को समझो, गाइडलाइन के लिए हम भी बच्चे कर रहे हैं, कई बच्चों को पता है, मैंने उनको मैसेज भी भेजे कि कैसे हम ट्राई कर रहे हैं बच्चे चीफ मिनिस्टर तक पहुंचने की, होप सो बच्चे इस हफ्ते तक कोई हमारे पास न्यूज आ जाए, बेटा बात यहाँ पर है बच्चे, कल जलंधर के अंदर 2 टीचर्स पे FIR हुई है बच्चे इसी चक्कर में, ठीक है, अब वो टीचर जो है वो भी हमारे जान पहचान के, वो बोल रहे कि हम बस इधर से उधर भाग रहे, तो वो चीज है बच्चे, इस बात को ध्यान में रखिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन बच्चे सख्त है, थोड़ा सा गाइडलाइन मिल जाए बच्चे फिर हमें क्या दिक्कत है, मुझे एक बात बताओ, अगर अगर हमको ये बोल दे कि यार आपने 10 से ज्यादा बच्चे नहीं पढ़ाने, हमें कोई क्लियर है, हमको क्लियर है कि 10 से ज्यादा नहीं पढ़ाने, कोई भी आएगा हम बोलेंगे जी जी देखिए 10 से ज्यादा नहीं पढ़ाने, और बच्चे कभी कोई बच्चा अगर और भी ज्यादा करना है तो मैं उसको अपनी एक आप बीती सुनाऊंगा इसी कोविड के टाइम के, और मैंने क्या फेस किया जबकि कोई चीज थी नहीं, और क्या फेस किया, और सिंपल उस पर्सन को मेरे को बताना पड़ा कि क्या चीज होती है क्या नहीं होती है, तब जाकर जान छूटी बेटा, और ये बिल्कुल सच है, और अगर उसको बात बच्चे ये कि मैं आपको बता सकता हूँ, और मैं क्यों कर रहा हूँ बच्चे, क्योंकि वो चीज मेरे से बीती है हाल फिलहाल के दिनों में, तब करके बच्चे, ठीक है, इट इज रिगार्डिंग सम एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, ठीक है, तो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, कुछ पुलिस वगैरह का चक्कर था बेटा, और उसके अंदर से बच्चे किसी ने सिंपल गूगल के अंदर मेरा नाम देख के बच्चे क्या किया क्या नहीं किया वो देखिएगा बच्चे, ठीक है बेटा, तो इस बात को आप समझिए, ठीक है, और जैसे गाइडलाइन के साथ खुलेगा बच्चे तो हम डेफिनेटली बच्चे आई विल बी द फर्स्ट वन, सो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज क्या आ जाती है बच्चे, फोकस करिए, फोकस करिएगा बच्चे, हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज क्या है, यहाँ पर मेरे पास अब आ जाता है बच्चे सेल्स इन सीरीज, बच्चे हमारे पास है, और अब मेरे पास यहाँ पर क्या चीज है, फोकस करना, मेरे पास यहाँ पर एन सेल्स है, सबकी EMF सेम है, सबकी EMF सेम है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम, सबकी EMF सेम है और इंटरनल रेजिस्टेंस बच्चे हमारे पास सेम है, ये बच्चा हमारे पास है और ये ऐसे, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है बच्चे, ये बच्चा हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये कल आपने नहीं बेटा इसको बच्चे मैं एक नए ढंग से अभी देखो ना, मैं आपको एक नई चीज बताने वाला हूँ, ये बच्चा हमारे पास है आर ओम, ये बच्चे आर ओम, ये बच्चे आर ओम और आर ओम, और बेटा देखो एनडीए के अंदर हो सकता है बच्चे कल को आपका मेडिकल किया जाए, आपके बॉडीज में एंटीबॉडीज आ जाए, तो बेटा आपको भी नहीं पता ना कि मेडिकल के अंदर वो कैसा आपके साथ करें, सोचो बच्चे मेडिकल तो होता ही है ना बच्चे एनडीए में, तो इस बात को समझो, बहुत सारे फैक्टर्स हैं बच्चे, जो एक टीचर मैं तो आपका वेलबींग चाहूंगा बच्चे, इसके अंदर आप ये समझो कि ऑनलाइन क्लासेस को पढ़ाने के लिए मैं ज्यादा स्ट्रेस में रहता हूँ, मैं ज्यादा स्ट्रेस में इसलिए रहता हूँ बच्चे क्योंकि किसी बच्चे को समझ में आया या नहीं आया ये थॉट्स रिअकर होते रहते हैं, और ये बच्चे इस बात को आप समझिए कि टीचर जो चाहता है कि यार आप लाइफ में कुछ करें उसके लिए बच्चे हमें आपका वेलबींग रहना बहुत जरूरी है, ये बच्चे मेरे पास एन सेल्स है, सबकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है और एक्सटर्नल आर है,
यहां पर बच्चे जो करंट आएगा आपके पास दैट विल बी एन ई डिवाइडेड बाय बच्चे हमारे पास एन आर प्लस ऑफ कैपिटल है, ये नहीं करवाया था कल जो हमने किया था मेरे बेटा उसमें ईएमएफ अलग अलग थी, अब बच्चे ईएमएफ सेम कर दी, एक स्पेशल केस कर दिया जिसमें ईएमएफ भी सेम है इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है। लेकिन इस कॉम्बिनेशन का मुझे क्या फायदा और इस कॉम्बिनेशन से मैं क्या करना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट बच्चे हमारे पास ये है, मैं आपको समझाता हूं किस तरीके से। तो बच्चे हमारे पास यहां पर अगर बच्चे हमारे पास यहां पर अगर देखें तो दो चीजें बच्चे हमारे पास यहां पर आती है। नंबर वन बच्चे हमारे पास यहां पर अगर दो चीजें बच्चे आपके पास और वो ये बच्चे क्या अगर एन आर की वैल्यू मच मच ग्रेटर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो जाए तो क्या होगा। अगर बच्चे हमारे पास एन आर की वैल्यू मच मच ग्रेटर देन क्या हो जाए बच्चे कैपिटल आर हो जाए तो क्या हो जाएगा। देयरफॉर अब बताओ बच्चे के यहां पर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये बच्चे हमारे पास क्या हो जाएगी एन ई अपॉन बच्चे हमारे पास एन आर, यहां पर n से n कैंसिल हो जाएगा और करंट किसके बराबर आ जाएगा e by r। यहां पर मैं एक सेल लगाऊं चाहे एक करोड़ सेल लगाऊं क्या करंट पे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ये जो बच्चा हमारे पास करंट है इट इज इनडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ द सेल, इट डिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ द सेल, इनडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ द सेल, इनडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ सेल बी पॉइंट बच्चे। और अगर एन आर की वैल्यू मच मच लेस देन आर है बच्चे हमारे पास और देयरफॉर बच्चे अब मेरे पास क्या आ जाएगा आई विल बी इक्वल टू एन ई अपॉन कैपिटल आर। अच्छा इसका क्या मतलब हुआ बच्चे हमारे पास, शाबाश बताओ, इसका मतलब नंबर ऑफ सेल्स अगर बढ़ते जाएंगे तो करंट भी क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाएंगे तो करंट भी बढ़ता जाएगा। तो हम बच्चे क्या बोलते हैं सेल को आप सीरीज में कब लगाओगे बोलो, कब प्रेफर करोगे आप इसको, ये प्रेफर अब तब करोगे जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो होगी इट विल बी ग्रेटर देन, इट विल बी ग्रेटर देन सम ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस, सम ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस, तो आप इसको सीरीज में लगा दोगे, आप इसको सीरीज में लगा दोगे। कोई बहुत लंबी चौड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत ही सिंपल सी चीज, फिर भी अगर किसी बच्चे ने का कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, शाबाश। अगर फिर भी किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, शाबाश। है कोई डाउट बेटा, है कोई डाउट बेटा? नो सर। नोट कर लीजिए, मुझे बता दीजिए बेटा। सर लास्ट वाला पॉइंट रिपीट करता है। बोल बोल, शाबाश, बोल बेटा बोल। अगर बच्चा हमारे पास लास्ट पॉइंट ये बोल रहा है अगर हमारे पास है ये आर बड़ा है और ये एन आर छोटा तो आप इस एन आर को इग्नोर कर दोगे और आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन कैपिटल आर, तो आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन कैपिटल आर, तो इसका मतलब एन की वैल्यू अगर बढ़ती जाएगी तो करंट की वैल्यू भी क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी। यहां पर जो करंट आएगा बच्चे इट विल बी प्रोपोर्शनल टू एन, n is the number of the electrical cell, number of the electrical cell, number of the electrical cell, जितने cells बढ़ते जाएंगे आपके पास बच्चे current भी बढ़ता जाएगा। तो अगर आपकी external resistance बड़ी है और internal resistance छोटी है तो इसका मतलब आप cell को series में लगाओगे तो आपको ज्यादा करंट मिलेगा, आपको ज्यादा करंट मिलेगा। लेकिन अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ी है एक्सटर्नल छोटी है तो आपको एक सेल से जितना करंट मिल रहा है उतना 20 से मिलेगा, उतना 20 लाख से मिलेगा, उतना 20 करोड़ से मिलेगा। करंट की वैल्यू नंबर ऑफ सेल से इंडिपेंडेंट हो जाए, ठीक है बेटा, ठीक है बच्चे, चलें yes, आगे sir. चलो अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, ये अब इम्पोर्टेंट है और ये बच्चे आपके इम्पोर्टेंट इंटीजर टाइप क्वेश्चन के अंदर आ सकते हैं। इंटीजर टाइप मेरे पास यहां पर वी हैव एन सेल्स इन सीरीज, वी हैव एन सेल्स ऑफ ईएमएफ ई ऑफ द ईएमएफ कैपिटल ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर ओम। ये बच्चा हमारे पास आर इन सीरीज,
ये बच्चा हमारे पास किसके अंदर है बच्चा आपके पास सीरीज के अंदर दीज आर इन दिस सीरीज बच्चे आउट ऑफ एन सेल्स एक्स आर रिवर्स्ड अगर बच्चे उनको रिवर्स कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा यानी कि इन सेल्स को ऑपोजिट पोलैरिटी के अंदर हम क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं ये बच्चे ऑपोजिट पोलैरिटी से आप इनको इस सिस्टम के अंदर लगा रहे हो बच्चे नाउ अब बच्चे हमारे पास करंट बताना तो आपके पास करंट कैसे आएगा जरा देखो बच्चे एन सेल्स में से एक्स सेल्स को रिवर्स कर दिया गया तो सही सेल कितने लगे हुए हैं जरा बताओ बच्चे मेरे पास एन माइनस एक्स ये सेल सीधे लगे हुए हैं माइनस आपके पास एक्स ही क्योंकि ये उल्टे लगे हुए जो सेल उल्टे लगते हैं बच्चे उनकी पोलैरिटी को माइनस किया जाता है सीरीज के ये हमने देखा हुआ ये हमने ऑब्जर्व किया हुआ यहां पर एन की वैल्यू इज ग्रेटर देन बच्चा हमारे पास एक्स हो जाएगी यानी कि 100 में से 20 सेल को उल्टा कर दिया तो सेल कितने सीधे लगे हुए हैं बच्चे 80 तो 20 जो उल्टे लगे हुए हैं उनकी उनकी ईएमएफ सबट्रैक्ट हो जाएगी लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस सीधी सीधी ऐड हो जाती है प्लस बच्चे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का तो आपका जो करंट होगा वो बच्चा हमारे पास क्या होगा एन माइनस टू एक्स इंटू ई अपॉन बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा एन आर प्लस कैपिटल आर यानी कि क्वेश्चन बच्चा हमारे पास क्वेश्चन बच्चा हमारे पास है कि सपोज ये बच्चा हमारे पास है सपोज वी हैव यहां पर बच्चे मेरे पास है 20 सेल्स वी हैव 20 सेल्स ऑफ ईएमएफ जिनकी ईएमएफ बच्चे 3 वोल्ट के बराबर है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस एंड बच्चा हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बच्चे एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बच्चे वो 2 ओम ईच है बच्चे हमारे पास 2 ओम ईच है बच्चे हमारे पास out of 20 cells 4 cells are reversed इनमें से बचे 20 में से 4 cells को reverse कर दिया गया calculate the current through आपको बच्चे करंट निकालना है बच्चे यहां पर through the resistance of 10 ohm डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चे बताओ कैसे करो आपके पास ये क्वेश्चन डायरेक्ट है बताओ कैसे करोगे बच्चे आपके पास 20 सेल्स हैं जिसमें से 4 को रिवर्स कर दिया गया तो सॉल्यूशन बताओ बच्चे आपके पास कैसे आ जाएगा आई इज इक्वल टू 20 माइनस 2 इंटू एक्स तो एक्स बच्चे हमारे पास है 4 ये बच्चे 4 मल्टीप्लाइड बाई ईएमएफ 3 इंटरनल रेजिस्टेंस कितने की है 2 into 20 ये आ जाएगा बच्चे 40 प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितने की है 10 की तो हमारे पास कितना आएगा 20 minus 8 12 into 3 36 upon 50 ampere का बच्चे हमारे पास करंट आ जाएगा तो करंट बच्चे हमारे पास कितने का आ जाएगा 36 upon 50 ampere का बच्चे करंट आ जाएगा जी ठीक है बेटा ये वाली चीज ठीक है बेटा कोई डाउट इसके अंदर से बच्चे शाबाश बोलो कोई डाउट है कुछ नोट करना है तो जल्दी बता दीजिए बच्चे शाबाश है कोई डाउट बेटा सर पक्का नोट कर लिया कर लिया कर रहे हो जल्दी करो बेटा हो गया ओके अब बच्चा हमारे पास आ जाता है बच्चे सेल इन दी बच्चा हमारे पास यहां पर बच्चे पैरेलल कनेक्शन देखिए हमारे पास हर एक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है सेल्स इन दी पैरेलल कनेक्शन सेल्स इन दी बच्चा हमारे पास पैरेलल कनेक्शन सेल्स इन दी पैरेलल कनेक्शन सेल इन दी पैरेलल कनेक्शन सेल इन पैरेलल कनेक्शन के अंदर बहुत सारे सेल्स को जिनके अपनी अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस हम बच्चे एक दूसरे के साथ पेयर के अंदर लगा रहे हैं बच्चे पैरेलल के अंदर लगाने की कोशिश कर रहे हैं ये बच्चा हमारे पास आ गया पहला सेल
और ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस। ये बच्चे मेरे पास दूसरा सेल, ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस। ये बच्चा हमारे पास तीसरा सेल, ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस। और करते करते बच्चा हमारे पास यहां पर क्या आ गया बच्चे, लास्ट सेल। और ये बच्चे इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस। इन सभी से बच्चे हमको एक करंट चाहिए, और करंट बच्चे एक्सटर्नल नेट रेजिस्टेंस के अक्रॉस चाहिए। ये बच्चा हमारे पास आ जाएगा आर वन, ये मेरे पास आ गया ई वन और बच्चे आर वन, ये बच्चे ई टू और आर टू, ये बच्चे हमारे पास ई थ्री और आर थ्री, और लास्ट बच्चे मेरे पास ई एन और आर एन। इन सभी सेल्स की पोलैरिटी की डायरेक्शन सेम, सभी के सेल्स की पोलैरिटी की डायरेक्शन सेम, सभी का पॉजिटिव एक तरफ है और नेगेटिव बच्चे हमारे पास दूसरी तरफ है। सभी का पॉजिटिव एक तरफ है और नेगेटिव दूसरी तरफ है। ओके, अब सबसे पहला बच्चा हमारे पास है नेट ईएमएफ। नेट ईएमएफ कैसे आएगी हमारे पास, इसकी नेट ईएमएफ कैसे आएगी, इसको निकालने का तरीका, ये लाइन है बच्चे। पहला सेल ई वन अपॉन आर वन आएगा, प्लस। प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि ईएमएफ सेम है। अगर ईएमएफ रिवर्स होगी तो माइनस आएगा, ए टू अपॉन आर टू। तीसरा प्लस ऑफ ई थ्री अपॉन आर थ्री एंड सो ऑन। और लास्ट बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, ई एन अपॉन आर एन, ये न्यूमरेटर है। हर एक सेल को अपनी ही इंटरनल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, फिर सेकेंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, फिर फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। और बच्चे बीच में प्लस का साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि बच्चे पोलैरिटी सेम है। और नीचे डिनोमिनेटर में वन अपॉन आर वन, वन अपॉन आर टू, वन अपॉन आर थ्री एंड सपोज बच्चे वन अपॉन बच्चे आर एन आ जाए, या फिर बच्चे ये मेरे पास है सबमिशन आई इज इक्वल टू वन टू एन, दिस इज ई आई अपॉन आर आई डिवाइडेड बाय सबमिशन आई इज इक्वल टू वन टू एन, वन अपॉन बच्चे हमारे पास आ रहा है। ये हमारे पास नेट ईएमएफ। अब सेकंड पॉइंट, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सभी पैरेलल में गिनी चाहिए। तो वन अपॉन आर नेट इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री प्लस वन अपॉन आर, ये मेरे पास नेट इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ईएमएफ आ गई, इंटरनल रेजिस्टेंस आ गई नेट। अब करंट किसके बराबर होगा, करंट हमारे पास आ जाएगा ई नेट डिवाइडेड बाय आर नेट और बच्चे प्लस ऑफ कैपिटल आर। ये हमारे पास इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट चलेगा। ध्यान किस बात का रखना है, पोलैरिटी का। अगर मेरा ध्यान पोलैरिटी पे नहीं होगा और बच्चे मैं प्लस प्लस करता जाऊंगा तो भी गड़बड़ है। यहां पर सभी प्लस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि सभी की पोलैरिटी एक ही डायरेक्शन में। अगर कोई भी सेल उल्टा हो जाएगा तो उसकी पोलैरिटी को माइनस कर देंगे, लेकिन लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में रेजिस्टेंसेस वैसे ही ऐड होंगी, इंटरनल रेजिस्टेंस वैसे ही ऐड होगी। ईएमएफ का नेगेटिव साइन पोलैरिटी पे आएगा और वो ई के साथ आएगा, वो बच्चे ईएमएफ के साथ आता है, ये और किसी चीज के साथ नहीं आएगा। ये बच्चे हमारे पास किसी और चीज के साथ नहीं आएगा बच्चे जी। अब अगर कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट है तो वो बच्चे आप पूछ सकते हो। शाबाश, अगर कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो, इसको नोट कर लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। शाबाश, थोड़ा सा जल्दी नोट करो बेटा। कोई डाउट भी पूछ लिया करो भाई, डाउट पूछ लिया करो, मेरी सारी बातें नहीं माननी। डाउट पूछते हो तो बहुत बढ़िया लगता है, सारी बातें माननी अच्छी बात है, लेकिन डाउट पूछ लेना चाहिए। कर ले नोट बेटा। यस सर। अच्छा, अब बच्चा हमारे पास एक आधा क्वेश्चन करके देखते हैं और फिर समझते हैं बच्चे। देखिए, हमको हर तरीके का क्वेश्चन आपके पास आना चाहिए, हर तरीके का, हर तरीके का, नहीं तो टीचर पे कलंक लग जाता है। अगर अगर टीचर कोई एक आधा क्वेश्चन करवा दे और एक आधा बच्चे से ना निकले, अरे सर वो क्वेश्चन नहीं निकला, तो कलंक टाइप लग जाता है, अरे यार सर वो क्वेश्चन नहीं निकला। तो ऐसा नहीं होता है,
इस वजह से कोशिश तो यही रहती है बच्चा हमारे पास कि आपको हर तरीके का क्वेश्चन करवा दिया जाए, लेकिन फिर भी कई बच्चे होते हैं वो लगे रहते हैं, और वो लगे रहो बच्चे और वो देखते रहो कि क्या क्या चीज किस तरीके से आपको क्लास में कराई गई है, और उनको बच्चे आप फोकस करते हुए आप बच्चे क्वेश्चन के ऊपर जो है बच्चे अपने पूरी एनर्जी लगा दो, और ये बच्चे हमारे पास आगे अटेंड हो। यहाँ पे टीचर बोलता है कि इस सर्किट के अंदर से ये दो सेल्स पैरेलल में लगाए गए हैं और आपने बच्चे बताना कि इसमें से कितना करंट चलेगा। ओके चलिए बेटा शाबाश, मेरे साथ कोई बच्चा बोले जो साथ साथ चलेगा वो बहुत अच्छा ग्रो करेगा। 6 / 2 पहले का, 6 / 2 पहले का, दूसरे में प्लस आएगा। क्यों प्लस आएगा? क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, 5/1। नीचे बच्चे 1/2 + 1/1, 1/2 + 1/1। यहां पर बच्चे 3 + 5 / 3/2। और ये बच्चा हमारे पास ईएमएफ कितने के बराबर आ रही है बच्चे बताओ जरा, 8 + 8 × 2 बच्चे 8 × 2 = 16, 16/3 वोल्ट आ गई बच्चे। नेक्स्ट आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस, ये बच्चा हमारे पास 1/2 + 1/1, और बच्चे आर नेट बच्चा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, 2/3 ओम। अब बच्चे मुझे करंट चाहिए, बताओ करंट कैसे आ जाएगा। ये ईएमएफ नेट आपके पास कितने के बराबर है, डिवाइडेड बाय मेरे पास यहां पर आर नेट 2/3, और बच्चे ये आ गया 10। अब बच्चा हमारे पास क्या आ गया, ई नेट बच्चा हमारे पास 16/3 / यहां पर बच्चे 32/3, तो 32/3 और ये कैंसिल, तो 16/32 बताओ कितने का करंट आ गया बच्चे, शाबाश बताओ कितने का करंट आ गया, 16/32 कितने का करंट आ गया शाबाश, कितना बच्चे 0. आपके पास कितना 0. कितना 0.5 और ये करंट बच्चा हमारे पास यहां से चलकर यहां से निकलेगा, बस इतनी सी चीज है, ये इतनी सी चीज है, ये बच्चा हमारे पास इतनी सी चीज है। आप अगर इसको ढंग से देखें ये आप में से कोई भी बच्चा कर सकता है। हाँ, जब पोलैरिटी रिवर्स होगी तो किस बात का ध्यान रखना, सपोज कि इसमें से किसी एक की पोलैरिटी रिवर्स होगी तो बच्चे नेगेटिव साइन उसके साथ लगाना है जो नंबर डिविजन के बाद छोटा हो। जैसे कि बच्चे मान लो कि मैं 5 को उल्टा कर देता हूँ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो गलती ये मत कर देना कि 6/2 - 5, नहीं तो बच्चे 3 - 5 आएगा और वोल्टेज नेगेटिव की। तो आप क्या बोलोगे कि जिस सेल को रिवर्स किया है वो तो बच्चे चलो ठीक है, उसकी पोलैरिटी दूसरे से रिवर्स है, तो नेगेटिव साइन किसके साथ आएगा, जिसकी बच्चे आपके पास E/R की वैल्यू क्या होगी बच्चे, लेस हो जाएगी, उसके साथ बच्चे आप नेगेटिव साइन लगाइएगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी ईएमएफ में हो सकता है नेगेटिव साइन आ जाए, जो कि गलत बात आ जाए, जो कि बच्चा हमारे पास यहाँ पर पूरी तरह से गलत बच्चा आपके पास आ जाए जी। ठीक है बेटा, ये वाली चीज क्लियर है, आगे चले बच्चे, आगे चले बच्चे। पोलैरिटी रिवर्स का बच्चे ध्यान रखना, पोलैरिटी रिवर्स का ध्यान रखना। ये क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, ये क्वेश्चन बच्चे ज्यादा नहीं है, बट ये क्वेश्चन जब आते हैं तो या तो बच्चा फॉर्मूला भूल जाता है या बच्चे काम करने का तरीका भूल जाता है। ये दो चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पर रोक देती हैं नंबर लेने से बच्चे। नोट कर लिया तो मैं आगे चलूं, नोट कर लिया तो मैं आगे चलूं बच्चे, शाबाश। यस, डाउट है तो पूछ लीजिए। बेटा चले आगे। यस सर। ओके सो अब बच्चा हमारे पास यहां पर नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल कर आता है बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट बच्चा हमारे पास यहां पर क्या चीज आ जाती है, अगर हम ध्यान से रखें तो मेरे पास अब यहां पर आ जाती हैं, वी हैव द एन सेल्स ईच ऑफ द ईएमएफ ई वोल्ट। और बच्चे एक और बात ध्यान रखना, इंटरनल असेसमेंट भी बच्चे सीबीएसई कंसीडर करेगी,
और बेटा जी सीबीएसई ने एक और बात बोल दिया, अप्रैल के अंदर जो 50% का पेपर होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा या नहीं होगा बच्चे, वो डिपेंड करेगा उस वक्त के कोविड की सिचुएशन को लेकर। और बेटा जो पहला 50% का पेपर होगा वो काफी बच्चे आपके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम करेगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का, यानी कि वो एक पहला स्टेप हो जाएगा बच्चे हमारे पास कि आप और अच्छे से आप हैंडल कर पाओगे। और इंटरनल असेसमेंट भी जो है बच्चे सीबीएसई इंक्वायर कर सकते हैं, यानी कि वो रिलेट कर लेगा कि दोनों के अंदर कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है बच्चे। इस वजह से आप बच्चे हर चीज पे ध्यान रखिएगा, हो सकता है बच्चे कि टीचर तुम्हें कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट वर्क भी देने की कोशिश करे। एंड सेल्स ऑफ ईएमएफ ई वोल्ट एंड बच्चे हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस आर, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, आर कनेक्टेड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये बच्चा हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया गया बच्चे हमारे पास। और बच्चा हमारे पास ये कुछ इस तरीके से, ये बच्चा आपके पास सेल्फ और ये बच्चे इंटरनल रेजिस्टेंस ई और बच्चे आर ओम। यहां पर बच्चा हमारे पास दूसरा और ये बच्चा आपके पास आर ओम, ये ई आ गया ये आर ओम आ गया। और ऐसा करते करते बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चे आपके पास, ये बच्चा हमारे पास ई है और ये आर ओम है। ओके, ये हमारे पास ई आ गया और ये बच्चा हमारे पास आर ओम आ गया। और अब बच्चा हमारे पास यहां पर क्या चीज आ गई, इसका नेट करंट मुझे बताना है किसके थ्रू, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू। और अब तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि जो हमने सीरीज के अंदर किया और जो पैरेलल के अंदर किया इसके कंपैरिजन से हमें क्या पता लगता है। सबसे पहले बच्चे ई नेट किसके बराबर हो जाएगा, न्यूमरेटर, इसके न्यूमरेटर के अंदर मेरे पास एन टर्म्स हो जाएंगी, ई आर प्लस ई आर प्लस ई आर प्लस ई आर, तो बच्चे आपके पास आ जाएगा ई आर प्लस ऑफ ई आर, और ये बच्चे हम कितने टाइम्स एड कर रहे हैं, एन टाइम्स। नीचे इंटरनल रेजिस्टेंस 1 अपॉन आर, 1 प्लस आर एंड अप टू बच्चे आर। और बच्चे इसका मतलब ये आ जाएगा एन ई अपॉन आर डिवाइडेड बाय आपके पास एन अपॉन आर। तो बताओ आपकी ईएमएफ किसके बराबर है, ई के बराबर, चेंज ही नहीं हुआ, एन आर से एन आर कैंसल हो गया और ये ई ही रह गया। नेक्स्ट वन बच्चे इंटरनल रेजिस्टेंस 1 अपॉन आर नेट, ये बच्चे R by N हो जाएगा और R net बच्चे हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, R net बच्चे हमारे पास क्या हो जाएगा, शाबाश, ये बच्चे हमारे पास R by N हो जाएगा। अब बताओ बच्चे करंट कितना चलेगा, बच्चे करंट, करंट बच्चे हमारे पास है E net divided by R net plus और बच्चे हमारे पास यहां पर कैपिटल R, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, E आ जाएगा, नीचे N R अपॉन N प्लस कैपिटल R, और करंट बच्चा हमारे पास किसके बराबर है, एन ई अपॉन R प्लस ऑफ बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, एन आर, I इज इक्वल टू एन ई R प्लस ऑफ बच्चे हमारे पास एन आर। ये बच्चे हमारे पास यहां पर क्या हो जाएगा बच्चे, इसकी वैल्यू बच्चे हमारे पास I इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाई R प्लस ऑफ बच्चे हमारे पास एन आर, R I is equal to N E upon small r plus of N R। अब comparison series के साथ भी हो जाएगा। सबसे पहले अगर internal resistance बड़ी हुई तो क्या हो जाएगा, number one, अगर internal resistance greater than external resistance हुई तो क्या हो जाएगा, बताओ यहां पर, अब बताओ कि आपका current किसके बराबर हो जाएगा, N E upon small r। अब यहां पर जो करंट है वो नंबर ऑफ सेल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। सीरीज के अंदर अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ी थी, सीरीज में अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ी थी तो करंट नंबर ऑफ सेल पे डिपेंड नहीं करता था, लेकिन यहां पर नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाएंगे तो करंट बढ़ता जाएगा। यानी अगर किसी सेल की आपको इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ी मिलती है तो आप बच्चे उनको आपस में किस में लगाते हो बच्चे, पैरेलल के अंदर। और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस छोटी है तो बच्चा आप उसको किस में लगाओगे बच्चे, शाबाश बताओ, सीरीज के अंदर।
तो I is equal to N E upon N R cancel, तो E upon R. तो यहां पर बच्चे आपकी अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ी है इंटरनल छोटी है तो पैरेलल के अंदर आप एक सेल लगाओ चाहे 1 करोड़ सेल लगाओ करंट आपको सेम मिलेगा, करंट आपको सेम मिलेगा, करंट आपको सेम मिलेगा. मेरे पास दो चीजें, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ी है तो आप पैरेलल में लगाओ और अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ी है तो सेल्स को किस में लगाओ, सीरीज में लगाओ ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा करंट मिल सके, ज्यादा से ज्यादा करंट मिल सके. कोई डाउट है तो वो फटाफट पूछिए, नोट करके मुझे बता दीजिए ताकि हम आगे चले. बच्चे ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं बच्चे, इनके ऊपर क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड आते हैं बच्चे, बहुत लिमिटेड आते हैं, बट क्वेश्चंस की स्टेटमेंट आपको थोड़ा परेशान कर सकती है, इस वजह से आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा बच्चे कि क्वेश्चन को हैंडल करते हुए आपकी थ्योरी का पोर्शन बहुत मजबूत हो. बच्चे चले बच्चे आगे, चले बेटा आगे. Yes, चलो अब बच्चे हमारे पास कर लिया रौनित नोट बच्चे की नहीं किया बेटा, कर लिया कर लिया सर. अब बच्चे हमारे पास लास्ट बच्चे आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक. आज बच्चे हम न्यूमेरिकल थोड़ा सा बच्चे एक एक दो दो बीच में किया, मैं सोच रहा हूँ कि पहले हम मैक्सिमम सेल्स की मिक्स ग्रुपिंग वगैरह तक कर ले जितना हो सकता है बच्चे आज, और इसके बाद क्योंकि सेल्स के न्यूमेरिकल्स, फिर किरचॉफ रूल है, फिर इलेक्ट्रिक पावर है, एंड देन पोटेंशियोमीटर और मीटर. हार्डली बच्चे हमारे पास 2 या 3 दिन का बच्चा हमारे पास और जिसको बोल सकते हैं बच्चा हमारे पास रह जाता है जो बोर्ड के हिसाब से. 1 दिन एक्स्ट्रा लग सकता है बच्चे अगर आपने आरसी सर्किट करना हो क्योंकि वो एडवांस के अंदर पूछा जाता है. मिक्स ग्रुपिंग, मिक्स ग्रुपिंग के अंदर बच्चा हमारे पास क्या चीज आ जाती है, मिक्स ग्रुपिंग. ठीक है, मिक्स ग्रुपिंग के अंदर बच्चा हमारे पास क्या है बच्चे समझना. बच्चे वी हैव एन सेल्स, एन सेल्स ऑफ बच्चे हमारे पास एन सेल्स एज ऑफ ई एम एफ ई, एज ऑफ बच्चे हमारे पास ई एम एफ कैपिटल ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, स्मॉल आर ओम. यह बच्चा हमारे पास है, दिस इज कनेक्टेड, दिस इज कनेक्टेड. यह बच्चा आपके पास कनेक्ट किया गया बच्चे इन सीरीज, इनको बच्चे सीरीज के अंदर बच्चे हमने कनेक्ट किया गया. एंड वी हैव, और बच्चे हमारे पास वी हैव एम, यहां पर एम सच रोज है बच्चे, और ऐसे बच्चे हमारे पास एम सच रोज है बच्चे हमारे पास. दिस कॉम्बिनेशन, और इस कॉम्बिनेशन को बच्चे हमने क्या किया गया बच्चे, कनेक्टेड टू, कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, एक्सटर्नल रजिस्टर कैपिटल आर ओम, एक्सटर्नल रजिस्टर कैपिटल आर ओम, एक्सटर्नल रजिस्टर बच्चा हमारे पास कैपिटल आर, एक्सटर्नल रजिस्टर बच्चा हमारे पास कैपिटल आर. ये बच्चा हमारे पास कहाँ, अब ध्यान से नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. इसके डायग्राम से मुझे काफी चीजें पता लग जाएंगी. देखिए ये पहली रो है, ये इंटरनल रजिस्टेंस, ये बच्चा दूसरा सेल, और ऐसी एक रो के अंदर कितने सेल लगे हुए हैं बच्चे, एन सेल्स लगे हुए. यह बच्चे पहला सेल, दूसरा सेल, ऐसे बच्चे मेरे पास एन सेल लगे हुए. यह बच्चे 1, 2 और ये बच्चे 3, हर एक की ई एम एफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है. ऐसे बच्चे मेरे पास ये दूसरी रो है बच्चे, ये बच्चे आपके पास दूसरी रो है और इसमें भी एन सेल्स लगे हुए इंटरनल रेजिस्टेंस आर. और ऐसी बच्चे हमारे पास कितनी रोज हैं बच्चे हमारे पास, शाबाश बोलो. ऐसे बच्चे हमारे पास कितनी रोज हैं, बोलो बच्चे. सर वो गर्व कह रहा है कि अगर उसका माइक काम नहीं कर रहा, उसका क्वेश्चन है अगर सेल्स की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो किसमें कनेक्ट होंगे. किसके बच्चे, अगर किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी मतलब सेल्स की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो किसमें कनेक्ट होंगे. सेल की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस. अगर सेल की बच्चा हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है बच्चे हमारे पास, तो बच्चे हम उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते, और बच्चे अगर इंटरनल रेजिस्टेंस कम है तो बच्चे हम उनको सीरीज में लगाते. और ये मिक्स ग्रुपिंग है, इसका पिछले से अभी तक बच्चे कोई लेना देना नहीं, इसका बच्चे पिछले से कोई लेना देना नहीं है, ये नए तरीके की ग्रुपिंग है. ये बच्चे एक रो के अंदर एन सेल्स है, और ऐसे बच्चे हमारे पास कितनी रोज है, एम रोज है.
तो जरा कोई बच्चा बता सकता है टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने बच्चे इसके अंदर से, बोलो कितने सेल्स के नंबर है बच्चे, बताओ शाबाश। N into M. बिल्कुल सही है बच्चे, N into M है बच्चे हमारे पास। ये बच्चे आपने यहाँ पर करंटली सॉरी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने के बराबर है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स, टोटल नंबर ऑफ दी सेल्स, ये बच्चे N into M। ये तो आप सब बच्चों को छोटी क्लासेस से पता है, अगर एक लाइन में 10 बच्चे हैं तो 10 लाइन के अंदर कितने बच्चे हो जाएंगे 100, क्योंकि बच्चे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नंबर ऑफ सेल्स ये सभी के सभी सही ऑर्डर में लगे हुए हैं और बच्चे आपके पास पैरेलल में लगे हुए और सीरीज में लगे हुए। इसमें से बच्चे अगर मैं इसको देखूं, इसमें से एक रो की टोटल बच्चे आपकी ईएमएफ और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितने के बराबर आ जाएगी, बोलो शाबाश, एन ई और एन आर। दूसरे की बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगी, शाबाश बोलो, एन ई और एन आर, ये भी एन ई और एन आर बच्चे। इसके बाद बच्चे हमारे पास तीसरे की एन ई और एन आर, चौथे की एन ई और एन आर, और लास्ट बच्चे हमारे पास एम की क्या आ जाएगी, शाबाश बोलो बच्चे, शाबाश बच्चे बोलो क्या आ जाएगी, ये बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगी, एन ई और एन आर। ऐसे बच्चे हमारे पास कितनी रोज हैं बच्चे आपके पास पैरेलल के अंदर, एम रोज हैं बच्चे हमारे पास, और इन सबका करंट बच्चे मुझे किससे चाहिए बच्चे, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से चाहिए, कैपिटल आर ओम से चाहिए। आप एक सीरीज के कनेक्शन को हटाओगे तो एन ई हो जाएगा और इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर, दूसरे का एन ई एन आर, तीसरे का एन ई एन आर, चौथे का एन ई एन आर, तो सभी के सभी जो एम रोज पैरेलल में लगी हैं, हर ब्रांच की टोटल ईएमएफ एन ई और इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर, एन ई एन आर, एन ई एन आर, और ये सभी के सभी अब किस में आ जाएंगे बच्चे, पैरेलल में आ जाएंगे। ये सभी के सभी बच्चे हमारे पास अब किस में आ जाएंगे बच्चे, पैरेलल में आ जाएंगे। क्लियर है ये वाली बात बच्चे, क्लियर है ये वाली बात बच्चे आपको, क्लियर है बच्चे ये वाली बात आपको? यस सर। अब बच्चे अगर आपने इसको नोट कर लिया तो इसके बाद बच्चे हम आगे चलते, शाबाश, कर लिया इसको नोट बेटा, हाँ कर लो बेटा, मुझे बता देना बस। अब बच्चे हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन से जो हमने नॉलेज गेन की उसको दिमाग में लेके आते हैं। अगर हर ब्रांच बच्चे ईएमएफ एनई है और दूसरी ब्रांच भी बच्चे आपके पास एनई और एनआर, तीसरी ब्रांच भी बच्चे एनई और एनआर है बच्चे, और लास्ट बच्चे जो एमएथ है, जो एमएथ रो है वो एमई और बच्चे एनआर, ये मेरे पास एनई, दिस इज एन आर, ये बच्चे एन ई और ये बच्चे एन आर, ये बच्चे एन ई और ये बच्चे हमारे पास एन आर, ये बच्चे एन ई और ये बच्चे हमारे पास एन आर, और यहां पर मेरे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसके बराबर है, कैपिटल आर के बराबर, कैपिटल आर के बराबर। अब करंट के लिए, क्योंकि ये सब पैरेलल में है तो ई एम एफ तो बच्चे चेंज होती नहीं है, पैरेलल में हमने देखा था ना, अगर सभी कैपिटल ई की बच्चे आपके पास पैरेलल में लगती हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस बच्चे हमारे पास आर के बराबर है तो टोटल ईएमएफ ई ही रहती है, तो ये एन ई है, ये भी एन ई है, ये भी एन ई है और ये भी एन ई है, तो बच्चे ये एन ई आ जाएगा डिवाइडेड बाय, नीचे बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, फोकस करना, ये बच्चे हमारे पास यहां पर एन आर, और ये कितनी बार पैरेलल के अंदर है बच्चे, एम टाइम्स पैरेलल में, तो ये बच्चे हमारे पास टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, एन आर अपॉन एम प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर, जहां पर आई बच्चे आप बताओ किसके बराबर आ जाएगा, एन एम इंटू ई, ये एन इंटू एम क्या है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स, और बच्चे एन आर प्लस ऑफ कैपिटल एम आर,
ये बच्चा हमारे पास करंट आएगा मिक्स ग्रुपिंग के अंदर. दिस इज द करंट इन द मिक्स ग्रुपिंग. यहां पर ये करंट है बच्चे मिक्स ग्रुपिंग के अंदर, और यहां पर n इंटू m क्या है बच्चे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ दी सेल्स, टोटल नंबर ऑफ दी सेल्स, टोटल नंबर ऑफ दी सेल्स नंबर वन. यहां पर कैपिटल n क्या है बच्चे नंबर ऑफ सेल इन वन रो, नंबर ऑफ सेल इन अ रो. यहां पर m क्या है बच्चे हमारे पास, m क्या चीज है बच्चे नंबर ऑफ द पैरेलल रोस, नंबर ऑफ द पैरेलल रोस, नंबर ऑफ द पैरेलल रोस. m कितनी ब्रांचेस बच्चे पैरेलल में लगाई गई हैं, वो m है बच्चे. और एक ब्रांच में n सेल्स लगे हुए हैं सीरीज में, तो n e और n r क्या है बच्चे टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, और कैपिटल आर क्या है बच्चे हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टर, एक्सटर्नल रेजिस्टर. और ये करंट है बच्चे हमारे पास किसका मिक्स्ड ग्रुपिंग का बच्चे. दिस इज द करंट ऑफ द मिक्स्ड ग्रुपिंग. जी कोई डाउट है इसके अंदर से तो आप बताएं बच्चे. शाबाश, कोई डाउट है तो आप बच्चे पूछ सकते हो. शाबाश बच्चे, बोलिए बेटा. कोई डाउट है तो बच्चे आपको यहां पर डाउट पूछ लेना चाहिए. नोट कर रहे हो तो बच्चे बता देना एक चीज. दूसरी चीज बच्चे मैं काम कर रहा हूं बच्चे assertion reason के ऊपर, याद करना बच्चे. आप इसको मैं बता देता हूं बेटा. अब आपको बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक से assertion reason और बच्चे उनकी आंसर की ये बच्चे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा. और कोशिश ये होगी बच्चे कि आज शाम तक बच्चे आपको assertion reason का बच्चे मैं आपको क्या बता दूं बच्चे, एक मैं आपको असाइनमेंट भेज दो. assertion reason बच्चे जरूरी है. अगर मान लिया जाए कि बच्चे आप में से कोई भी एक बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, यार मैं बच्चे की बात का तो बुरा मानता नहीं हूँ, मुझे मैसेज सर जी आप भूल गए हो, मुझे एक बच्चे रिमाइंडर दे देना. अगर इनकेस मैं आप तक बच्चे वो नहीं पहुंचा पाता हूँ रिमाइंडर दे देना, फिर बच्चे मैं कोशिश करूंगा कि आज के आज मैं बच्चे, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ इस हफ्ते में जहां तक बच्चे हमने किया हुआ है assertion reason बच्चे पूरा खत्म हो जाए. जितने क्वेश्चंस बनते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन assertion reason के कर ले बच्चे, क्योंकि वो भी साथ साथ करना बच्चे. ठीक बेटा. और दूसरी बात बच्चे, अब बच्चे हम थोड़े से क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड बच्चे, एक बच्चे मैंने आपको असाइनमेंट दे दी थी उसके क्वेश्चन कुछ टिक करके मैंने दे दिए थे, बाकी क्वेश्चंस बच्चे मैं आपको बच्चे आज तो नहीं दे पाऊंगा. आज मैं assertion reason पे थोड़ा काम कर रहा हूँ बच्चे, तो इस वजह से उसके टिक करके बाकी के क्वेश्चंस दे दूंगा. जो मैंने आपको क्वेश्चन बैंक दिया बच्चे वही कर जाओ यार. आप बच्चे देखेंगे सीबीएसई के अंदर उसी में से क्वेश्चन आ जाएंगे एमसीक्यू बेस्ड. प्लीज बच्चे उनको भी करते रहना. कहीं पर भी कोई डिफिकल्टी हो डोंट हेजिटेट टू आस्क मी. और बच्चे एक ही काम करना बस, अब क्वेश्चंस क्वेश्चंस एंड मोर ऑफ मोर क्वेश्चंस. ठीक है, कर लिया नोट बच्चे आपने इसको? ठीक है. और मुझे याद दिला देना मेरे बच्चे प्लीज, कोई भी एक बच्चा. ठीक है, कोई भी एक बच्चा कुलताज रौनित बच्चे कोई भी मुझे, गौरी मुझे याद दिला देना बेटा. कनिका गर्व मुझे याद दिला देना कि सर assertion reason रह गया. तो बेटा मैं कोशिश करूंगा कि आपको विद इन हाफ एन आवर assertion reason दे दूं बच्चे. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ये भी बोल देना सर इलेक्ट्रोस्टैटिक, हम शुरू से शुरू कर देंगे. ठीक है बेटा, चलिए नोट कर लिया बच्चे इसको आपने? नोट कर लिया बच्चे? नोट कर लिया? चलिए तो बच्चे अब इसको करते हैं बच्चे खत्म, और कल इसके ऊपर क्वेश्चंस होंगे. थ्योरी बच्चे हमने इसके खत्म कर दी. ठीक है बेटा, चलिए ओके बच्चे.